हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में। तो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या थ्योरीज इन्वॉल्व होती है, कैसे प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन से लॉज होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हम लोग सिमेट्री जब यूज करते हैं किसी इंटीरियर डिजाइन के अंदर, हारमनी यूज करते हैं, उसका एक रिदम यूज करते हैं, कलर शेड्स यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर। आप जैसे ही एक इंटीरियर देखते हैं किसी भी रूम का, किसी कमर्शियल स्पेस का, वो विजुअली काफी अपीलिंग लगता है, पर उसके बैकग्राउंड में काफी सारा वर्क होता है, काफी सारे प्रिंसिपल्स, काफी सारे लॉज वर्क करते हैं, जिसके वजह से वो विजुअली अपीलिंग लगता है और साइकोलॉजिकली अगले पर्सन को वो पसंद आता है। तो चलिए सारी चीजों के बारे में हम लोग एक डिटेल डेप्थ में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है ऑन बेसिक्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटीरियर डिजाइन क्या होता है, उसकी हमें क्या नीड है और कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं इंटीरियर डिजाइन में। जब हम एक रूम डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, बैलेंस, देन रिदम, हार्मनी, प्रोपोर्शन, स्केल, एम्फेसिस, कंट्रास्ट एंड रूल ऑफ थ्री। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस से। बैलेंस तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो हुआ सिमेट्रिकल बैलेंस, फिर रेडियल बैलेंस, देन एसिमेट्रिकल बैलेंस। तो सिमेट्रिकल बैलेंस जैसा आप समझ सकते हैं कि 50-50 मिरर इमेज हो गया। देन रेडियल बैलेंस ये होता है कि सेंटर से वो रेडियली निकल रहा है, लाइक हम सेंटर टेबल बीच में रख दिए, देन वी हैव दी सोफाज अराउंड, तो वो रेडियली बैलेंस हो गया वो रूम। देन एसिमेट्रिकल बैलेंस ये हुआ कि हम हाफ पोर्शन में मे बी वी हैव दी वॉल और उस वॉल पे कुछ डेकोरेशन किया हुआ है एंड हाफ पोर्शन में हमारा डाइनिंग एरिया है, तो उस रूम को जब हम देखेंगे वो रूम हमें एसिमेट्रिकली बैलेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि हाफ पोर्शन में वॉल है, हाफ पोर्शन में वी हैव दी डाइनिंग एरिया। नेक्स्ट आता है हमारा रिदम। तो रिदम क्या होता है? रिदम इज नथिंग बट रिपीटिशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स एट एन इंटरवल। तो रिदम हमारे पास पांच तरीके के होते हैं। पहला तो हमारा होता है ऑल्टरनेटिव रिदम। इसमें क्या होता है कि ऑल्टरनेटिवली आपका एक पैटर्न या एक एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है। नेक्स्ट वी हैव दी फ्लोइंग रिदम। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है या एलिमेंट है वो जो है वो एक ऑर्गेनिक शेप में है। देन हमारा हुआ रैंडम रिदम। इसमें क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव शेप्स जो है रिपीट होते हैं इन अ सर्टेन मैनर और वो किसी एक अरेंजमेंट में प्लेस नहीं होते, जस्ट रैंडमली दे आर स्प्रेड इन अ स्पेस, देन वी हैव द प्रोग्रेसिव रिदम। तो इसमें क्या होता है कि रिपीटिंग एलिमेंट्स ही होते हैं बट उसमें वो साइज, पैटर्न, कलर ये सब चेंज होते रहते हैं बट दे आर रिपीटिंग, तो वैसा हमें लगता है कि वो बढ़ रहा है या वो आगे जा रहा है, इसलिए वो प्रोग्रेसिव रिदम हो गया। वी हैव द रेगुलर रिदम। तो रेगुलर रिदम में क्या होता है कि सेम ही चीज रिपीट हो रहा है बार 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 बार, तो वो एक जो रिपीटिशन, सिमिलर रिपीटिशन जो आ रहा है वो हो गया हमारा रेगुलर रिदम। नेक्स्ट वी हैव द हार्मनी। तो हार्मनी क्या होता है, जब हम किसी रूम को देखते हैं या आप किसी रूम में जाते हैं, देन वी हैव दैट सेटिस्फैक्शन, देन टेक्सचर से हम लोग कर सकते हैं हार्मनी। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पे कि एक वॉल को हमने टेक्सचर वॉल कर, तो उससे क्या हो गया कि अगर हमने उस वॉल को देखा देन वी आर लाइक विजुअली सेटिस्फाइड, देन हम एक आइडिया से कर सकते हैं। जैसे मैं पहले स्टेट कर रही थी कि किसी चीज़ के अरेंजमेंट से, मे बी हमने रूम में अरेंज किया एक प्रॉपर तरीके से कि वो विजुअली हमें अच्छा लगे, देन कलर से भी कर सकते हैं। जैसे किसी किसी चीज़ का मतलब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, उनका रोल डिफरेंट है बट कुछ कुछ कलर्स हमने सेम कर दिए तो उस कलर से वो यूनाइट हो गए। नेक्स्ट वी हैव द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोपोर्शन अगर आपका गलत होगा स्पेशली इंटीरियर डिजाइन में, देन वो रूम बिल्कुल भी देखने लायक नहीं रहता, भले ही वो प्रोपोर्शन पेंटिंग्स का हो, सोफा का हो, प्लांटर्स का हो, सेंटर टेबल का हो, कारपेट साइज का हो, चेयर्स का हो, प्रोपोर्शन बहुत मैटर करता है। प्रोपोर्शन ये चीज़ है कि जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस रिलेशनशिप में है, वो उस चीज़ को डिफाइन करता है प्रोपोर्शन। तो अगर हमने बहुत बड़ा सा पेंटिंग दे दिया बट वो रूम छोटा सा है तो ऐसा लगे कि हम बस वो पेंटिंग को शो कर रहे हैं उस रूम में, उस रूम का और कुछ यूज़ नहीं है, तो प्रोपोर्शन के हिसाब से आपका रूम का फंक्शन भी चेंज हो जाता है। सो वन शुड बी क्वाइट केयरफुल विद दिस जब वो प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे हैं। प्रोपोर्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो गुड प्रोपोर्शन, एक होता है बैड प्रोपोर्शन। तो बैड प्रोपोर्शन क्या होता है? बैड प्रोपोर्शन जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने बहुत बड़ा सा पेंटिंग लगा दिया एक छोटे से रूम में, या एक रूम है उसमें आपने बहुत ज़्यादा सिर्फ फोटो फ्रेम्स ही भर दिए या बहुत ज़्यादा सिर्फ प्लांटर्स ही भर दिए,
तो आपका जो प्लांटर्स का प्रोपोर्शन है सोफा के साथ वो खराब हो गया, तो उस रूम का अरेंजमेंट खराब हो गया। फिर गुड प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दोनों में बैलेंस हो। सो बैलेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केल। तो स्केल और प्रोपोर्शन दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो क्या होता है, हम जैसे अगर कहीं लाइट्स लगा रहे हैं या कहीं टेबल दे रहे हैं, तो हम वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज के नहीं दे सकते, हमें एक छोटा ही देना पड़ेगा। भले ही हमें एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, बट उस रूम का साइज को देखते हुए, उस रूम में लाइट्स किस साइज के हैं या उस रूम में बाकी चीज़ें किस साइज की है, उस हिसाब से हमें वो प्रोपोर्शनेट डिसाइड करना। स्केल से हम किसी चीज़ को एफेसिस भी कर सकते हैं, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि स्केल को यूज़ करके, प्रोपोर्शन को यूज़ करके कैसे हम एक एम्फेसिस ला सकते, एक क्रिएटिविटी ला सकते हैं एक रूम में। नेक्स्ट वी हैव द एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, कि अगर हम एक स्पेस में गए तो हमें वो चीज़ ही सबसे पहले दिखनी चाहिए या वो चीज़ ही सबसे अलग दिखनी चाहिए। तब एम्फेसिस जो है वो चार तरीके से किया जा सकता है। पहला तो साइज के बेसिस पे, कि आप ने आपका रूम जो है वो बाकी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की है, आपने बहुत बड़ा सा लाइट दे दिया या बहुत बड़ा सा आपने वहाँ शीशा लगा दिया, तो वो एक एम्फेसिस का एरिया हो गया, तो वो साइज़ के बेसिस पे डिफरेंस हो गया। देन आपका लोकेशन, आपने कोई बहुत ही सुंदर सा सोफ़ा या बहुत ही सुंदर सा लाउंज चेयर एक कॉर्नर में प्लेस कर दिया, तो वो आपका एम्फेसिस की तरह एक्ट करेगा बाकी चीज़ों से अलग। एम्फेसिस का मतलब ही यही है कि आपका अटेंशन खींचना। देन कॉन्ट्रास्ट करके भी हम एम्फेसिस कर सकते हैं, कि रूम में बाकी सारी चीज़ें एक थीम पर बेस्ड है, बट आपने कोई एक फर्नीचर को मे भी अलग कर दिया, या आपने कोई एक प्लांट अलग कर दिया, या आपने एक बड़ा सा प्लांट प्लेस कर दिया बीच में, तो वो कॉन्ट्रास्ट उसके साथ हो जाएगा, तो कॉन्ट्रास्ट से भी आप कर सकते हैं। देन डिफरेंस, मे भी बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हों, जैसे आपका डाइनिंग एरिया एक थीम पे डिज़ाइंड है, बट आपने वहाँ का लाइटिंग जो है, मे बी डाइनिंग टेबल के ऊपर जो लाइट है वो दूसरे थीम का दे दिया या दूसरे एरा का दे दिया, तो आपका वो जो अब लाइट है वो एक एम्फेसिस जैसा काम करेगा। बट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एम्फेसिस का सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह एम्फेसिस काम नहीं आता है, कहीं कहीं एम्फेसिस बहुत ही ख़राब दिखता है, इसलिए इसको एक बहुत ही प्लान्ड आउट वे में अप्लाई करना बेहतर होता है। तो एम्फेसिस अप्लाई करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन वी हैव कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग दिखाना चाहते हैं या उसको हम ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखाना चाहते हैं, तो वो हमारा हो गया कॉन्ट्रास्ट, या लाइट डार्क के शेड में दिखाते हैं तो वो हुआ कॉन्ट्रास्ट। पहला हमारा लाइट एंड डार्क के फॉर्मेट पे आता है, जैसे किसी चीज़ पे लाइट पड़ रही है, किसी चीज़ पे लाइट नहीं पड़ रही है, तो हमने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया कि किसी पे सनलाइट आएगा, किसी पे नहीं आएगा। देन कलर से कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, हो सकता है कहीं पे आप बहुत ही वाइब्रेंट कलर दे दें, कहीं पे थोड़ा डल दे, तो वो डल और वाइब्रेंट का कॉन्ट्रास्ट हो गया। देन कहीं पे फोरग्राउंड बैकग्राउंड का कॉन्ट्रास्ट होता है, जैसे आपने किसी बैकग्राउंड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, तो वो आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कॉन्ट्रास्ट हो गया। फिर साइज एंड शेप पर भी कॉन्ट्रास्ट होता है, और ये क्या होता है कि जो चीज़ें लाइक ह्यूज इन साइज होती है या जो बड़ी होती है, हमारी आंखें जो है उन चीज़ों को पहले देखती है, तो एक तरीके से ये है क्या कि कॉन्ट्रास्ट जो है वो हमारा एक विजुअल इंटरेस्ट को भी ऐड करता है। तो अगर हम सही तरीके से कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करेंगे, तो हम जहाँ इंसान के आइज़ को फोकस करना चाहते हैं या हम चाहते हैं जहाँ व्यूअर देखे, तो कॉन्ट्रास्ट से हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। रूल ऑफ थर्ड्स दो तीन चीज़ों में यूज़ होती है। एक तो आप किसी रूम का अरेंजमेंट कर रहे तब, जब आप फोटोग्राफी करते हैं तब, और जब आप पेंटिंग करते हैं तब। मैं आपको इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड बताऊंगी कि जब हम किसी फर्नीचर को या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं विद इन अ स्पेस, तो उस समय रूल ऑफ थर्ड्स हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल ऑफ थर्ड्स क्या कहता है, कि हमें हमारे पूरे एरिया को 9 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, 9 इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद हम उसमें ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें उसका प्रॉपर स्केल प्रोपोर्शन पता चले। मेनली हम लोग स्केल प्रोपोर्शन से ही प्ले करते हैं। इस रूल ऑफ थ्री का एक और रूल है कि अगर हम जैसे लाइट्स लगा रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट है, मे बी हम प्लांटर रख रहे हैं या फिर कोई शोपीस है या फोटो फ्रेम्स है या कोई भी चीज़ हम रख रहे हैं, तो उसको या तो हम एक रखें या तो 3 रखें, मतलब उस स्पेस में वो या तो 1 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए।
अब तीन कैसे हो सकता है, या तो दो पेयर में हो और एक अकेले हो, या तीनों एक साथ हो, या तीनों अलग अलग हो। वैसे ही हम लाइट्स के अरेंजमेंट में करते हैं, या तो एक लाइट डालते हैं या तो तीन डालते हैं। मेनली तीन ही यूज़ होता है, क्योंकि एक बहुत कम हो जाता है और पांच बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हमने जितने भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, जितने भी हमने पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस किया, ये एक साथ ही वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ को करें। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप शेल्फ भी बना रहे हो अलग अलग साइजेस का, अगर आप रिदम देने के लिए भी बना रहे हो अलग अलग साइजेस का, तो उसमें खुद ही खुद हारमोनी भी आ जाएगा, बैलेंस भी आ जाएगा, रिपीटेशन भी आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ हैंड इन हैंड चलते हैं, इनमें से कोई एक को आप सिर्फ सोलली यूज नहीं कर सकते। होप सो गाइस ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है और आपको इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करना है तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 3 months और 1 year का है, जिसके अंदर हम लोग आपको कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें सिखाते हैं। जैसे कि आपको 5 सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, उसके अंदर ऑटो कैड, वी रे, स्केचअप, फोटोशॉप, लूमियन, सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। उसके बाद हम लोग आपको थ्योरी क्लासेस भी देते हैं, जिसके अंदर आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि किस तरीके से इंटीरियर में जो यूज होते हैं वो सारे मटेरियल्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम लोग आपको साइट एक्सपीरियंस देते हैं, तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स पर आपको ले जाया जाएगा, जहां पे आपको समझ में आएगा कि जो ड्राइंग्स आप लोग बनाते हैं वो एक्चुअल साइट पे कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके बाद हम लोग आपको एस्टिमेशन सिखाते हैं, जिसके अंदर कि आपको एस्टिमेशन समझ में आएगा कि कैसे किसी एक रूम का कॉस्टिंग निकाला जाता है, वो कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कैसे सारी चीजों की प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, और ओवरऑल एक एरिया का क्या एस्टिमेट बन सकता है। इसके बाद हम लोग आपको वास्तु सिखलाएंगे, वास्तु के अंदर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वास्तु के हिसाब से एक प्लानिंग की जाती है, कहां से एंट्रेंस होता है, कहां पे वॉल, कहां पे कौन सा कलर लगता है, ये सारी चीजें हम लोग वास्तु के बारे में सिखाते हैं। और फाइनली आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे आप एक सर्टिफाइड डिजाइनर बन जाते हो। तो आप सर्टिफाइड डिजाइनर हमारे साइड से बनते हो, और साथ में ही अगर आप 1 year का कोर्स करते हो तो हम लोग एक MSME रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, जिसके तहत अगर आपको खुद का एक बिजनेस करना है तो आपको गवर्नमेंट के साइड से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। हर एक सपोर्ट सिस्टम और हर एक हैंड होल्डिंग हम लोग देते हैं अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आप इस कोर्स में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज़।